नाजरा आपने सोशल मीडिया पर टिकटॉक के ऊपर आपने देखा होगा एक 4 साल नन्ना बच्चा जिसे मिनी बाबर आजम कहा जाता है, वो आज देख सकते हैं। किसको पसंद करते हैं बाबर आजम? सब क्या, कौन सी शॉट आपको ज्यादा पसंद है? और ये ग्राउंड में मैं इसे आते ही पहले दौड़ लगाता, पूरे ग्राउंड का चक्कर एक काटता है और पूरा मतलब एक प्रैक्टिस चक्कर का पूरा। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरा आपने सोशल मीडिया पर टिकटॉक के ऊपर आपने देखा होगा एक 4 साल नन्ना बच्चा जिसे मिनी बाबर आजम कहा जाता है, वो आज देख सकते हैं हमारे अकब में, देख सकते हैं पीछे क्रिकेट खेल रहा, कवर ड्राइव इस तरह की शॉट्स खेलता है कि मैं कहता हूँ बड़े बड़े प्लेयर्स। और सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम की कवर ड्राइव को फुल 100% कॉपी करता है कि छोटा बाबर आजम, नन्ना बाबर आजम जो टिकटॉक पर छाया हुआ है, इसकी वीडियो मिलियंस में व्यूज़ है और इसकी जो कवर ड्राइव है बाबर और विराट से कम नहीं है। 4 साल की उम्र ये बच्चा इतना बड़ा स्टार कैसे बना और सोशल मीडिया की जीनत किस तरह बना? इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो डेली बेसिस पे इसको 50 से 100 आवर करवाते हैं। इनसे जानेंगे कि इनके दिमाग के अंदर ये किस तरह ख्याल आया और 4 साल की उम्र में बच्चा इतनी अच्छी कवर ड्राइव और क्रिकेट कैसे खेल लेता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इसका नाम तो फिजान है, हमने टिकटॉक आईडी पे देखा। अच्छा, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये 4 साल की उम्र में बच्चा किस तरह आपकी क्रिकेट खेलता है, वायरल हुआ, किस तरह आपके माइंड में आया? सर ना, मैंने इसे 6 महीने पहले खिलाना या 5 महीने तकरीबन खिलाना शुरू किया, तो तब से मैंने इसका टिकटॉक अकाउंट तकरीबन मुझे 2-3 माह हो गए इस्तेमाल करते हुए और मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं किस तरह इस्तेमाल करते। 2 माह के अंदर ही 1.5 लाख फॉलोअर, यहाँ तकरीबन 1.5 लाख के करीब फॉलोअर होने वाले हैं और मिलियन में इसके तकरीबन चंद एक वीडियो पर व्यूज़ भी हैं। तो इसकी जो आपने सबसे पहली वीडियो बनाई है नाजरी, इस साइड पे ये वीडियो भी चल रही है, पाकिस्तानी किट पहनी है, कवर ड्राइव खेल रहा है ये लड़का, तो वो किस तरह माइंड में आएगा यार इसको टिकटॉक पे लाना चाहिए? अच्छा, मेरा ऐसा तो कोई जहन नहीं था टिकटॉक पे लाने का, लेकिन मेरा पूरा फोकस इसे पाकिस्तान टीम में लेकर जाए और इस पर पूरी मेहनत करे। एक वालिद होने की ऐसी से बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। तो ये माशाल्लाह आप कवर ड्राइव बड़ी अच्छी खेलता है, क्या आपको लगा कि यार इस बच्चे का टैलेंट है इसको लेके जाना? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने 5 माह जब पहले खिलाना शुरू किया तो मुझे तब से महसूस हो गया था कि इसमें टैलेंट और आगे पाकिस्तान टीम के लिए इंशाल्लाह खेलेगा। और बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इंडिया से भी फ़ोन आते हैं, मलेशिया से भी जी, आउट ऑफ कंट्री से कि इस बच्चे का टैलेंट, सरगोधा से, उसके बाद मेरे बाबल नगर शहर से, जिला उकाड़ा से भी, वो भी मुझे जिला लगता। और किसी कंट्री से, इंडिया के अलावा कौन से मुल्क से कॉल? मलेशिया, सऊदी अरेबिया और UAE में से मुझे फ़ोन आते हैं। अच्छा, आप 4-5 साल का बच्चा होता है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इसको पढ़ाई की तरफ लेके जाए, आप क्रिकेट की तरफ लेके आ रहे, इसकी क्या वजह? क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, जो बच्चा स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है। अब ये पढ़ता भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, 3 माह हुए मैंने मुझे इसे स्कूल लगाया हुआ, माशाल्लाह इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है स्कूल में भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आपकी कवर ड्राइव और सोशल मीडिया पे आपको पता है आप कितने वायरल हो? नहीं नहीं पता आपको? क्यों? छोटा। अच्छा, अभी छोटे आपको इसलिए नहीं पता कि आप इतने ज्यादा वायरल जी। किसको पसंद करते हैं आप? बाबर आजम। सबका आजम बाबर आजम है, उसको पसंद करते हैं जी। उसको देख के क्रिकेट खेली है जी। ज्यादा क्या, कौन सी शॉट आपको ज्यादा पसंद? कलर ड्राइव। क्लब ड्राइव नाजनी, नहीं बच्चा 4 साल क्लब ड्राइव कवर ड्राइव को क्लब ड्राइव कह रहा है 4 साल की उम्र में। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है,
क्रिकेट का इतना नॉलेज होना, ये बिहाइंड सीन आप दे सकते हैं, वीडियो चल रही है किस तरह क्रिकेट खेलता है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अच्छा सर, 4 साल की उम्र में है, आपकी ख्वाहिश है कि ये बच्चा अंडर 16 भी खेले, अंडर 19 भी खेले, एक अच्छा इसको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिससे ये टैलेंट को प्रमोट हो। हाँ जी बिल्कुल, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इसे प्रॉपर क्रिकेट से खिलाया जाए, मतलब कि अंडर 13 फिर अंडर 19 में खिलाया जाए, और इसमें जब मैं मेहनत करूँगा इस मेहनत में इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट ला कर पाकिस्तान टीम में जाए। आप डेली इसको किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं? सर मैं ना ये सुबह स्कूल जाता है 8 बजे और स्कूल से ये तकरीबन 1 बजे घर वापस आ जाता है, तो 2 घंटे इतना रेस्ट करनी होती है और साथ में होमवर्क भी कर लेते हैं। 3 बजे मैं अपने काम से फारग होकर इसे ग्राउंड ले आता हूँ और ये ग्राउंड में मैं इसे आते ही पहले दौड़ लगाता है, पूरे ग्राउंड का चक्कर एक काटता है और पूरा मतलब एक प्रैक्टिस पूरा चक्कर काटता है। उसके बाद इसे मैंने 2 केले खिलाने होते हैं, मतलब थोड़ी एनर्जी आ जाए इसमें। उसके बाद इसको मैंने उसके बाद मैंने इसे 25 ओवर में खिलाता हूँ लगातार। 25 ओवर खिलाने के बाद इसे गैप आता है, रेस्ट करवाता हूँ तकरीबन वो 15-20 मिनट की रेस्ट करने के बाद ये बच्चों के साथ यहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। 25 ओवर करवाते हैं, फिर रेस्ट करवाते हैं, फिर ओवर 25 करवाते हैं, फिर 25 ओवर खिलाते हैं। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है और बाहर गर्म चले वापस चले जाते हो, साथ में जो चीज़ इसे पसंद होती है वो लेकर देता हूँ। अच्छा बड़ी बात है, 25 50 ओवर यानी तकरीबन 360 गेंदें बनती है। जी 300 गेंदें बनती है और 300 गेंदें बनती हैं और वो आप डेली बेसिस पे 3 बजे आपने हर सूरत तो डेली पे कराता हूँ। और जो रात नाइट ट्रेनिंग होती है वहाँ पे भी मैंने इसे 50 ओवर नाइट ट्रेनिंग भी रखी है। हाँ नाइट ट्रेनिंग भी। वो कहाँ पे करते हैं? वो घर में मैं करता हूँ छोटा सा। नाजरीन बहुत बड़ी बात है कि 50 ओवर 3 बजे आगे ग्राउंड में खिलाना, फिर शाम को रात को जो नाइट ट्रेनिंग है उसमें भी 50 ओवर ये बच्चे को खिलाते हैं फिर सुलाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कोई पाकिस्तान के किसी भी PCB इदारे क्रिकेट की तरफ से कोई ऑफर आई? नहीं अभी तक मुझे किसी की PCB क्रिकेट से या किसी बड़े क्रिकेटर से कोई बात नहीं, कोई ऑफर नहीं आई मुझे। बाबर आजम का ये फैन है, उनकी तरफ से इस तरह का कोई आया? नहीं इस तरह का फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। बच्चे को देख कर जितनी हम इस पर मेहनत कर रहे हैं और इसमें जितना टैलेंट है इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है सर, आप 100 ओवर डेली करवाते हैं बच्चे को 24 घंटों के अंदर। 24 घंटों के अंदर इसे मैंने 100 ओवर खिलाना होता बेटा, आगे देखो। हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो? खेलना ये बैट कितने का लिया ये बैट? ये तो फ्री में। फ्री में मिला? पापा लेके देते हैं। ना बेटा सीधा बातें करो। अच्छा आगे क्या करना चाहते हो? क्रिकेट खेलना चाहते हो? पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हो? बोल के कहो, हाथ से नहीं करना। हाँ जी हाँ जी। करना चाहते हो रोशन? हाँ जी। पढ़ना भी चाहते हो? हाँ जी। अच्छा बाबर को क्या कहना चाहते हो कि वो मुझे मिले? जी जी ना मिले। वो आप उसके फैन, उसको मिलना नहीं चाहते? मिलना चाहते हो? ये मिलना चाहते। नाजरीन बच्चा 4 साल की एज में बोल नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ये लगी है कि 100 ओवर डेली खेलना एक प्लेयर के लिए, एक बड़े प्लेयर के लिए, इंटरनेशनल के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनके वालिद हैं 25-25 ओवर के बाद स्टे करवा कर इसे 100 ओवर डेली के खिलाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर वायरल है PCB के दायरे से। इनके वालिद की यही ख्वाहिश है कि ये अंडर 16 एक चेन की तरह जिस तरह बाबर आजम खेला है इसी तरह इस बच्चे को भी खिलाया जाए और ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इस बच्चे की लाइफ के लिए, इस बच्चे के टैलेंट के लिए कुछ ऐसा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।